अभी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला करेंगे जो 5.2 के आधारित पर है। प्रैक्टिस सेट 5.2 के ऊपर बेस है और कुछ कुछ सम्स प्रॉब्लम सेट में भी। सेक्शन फॉर्मूला एकदम इजी है, तुम लोग को 9th स्टैंडर्ड में भी सेक्शन फॉर्मूला था, मतलब ना इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। फिलहाल इसके अंदर इंटरनल डिवीजन करने का है। सेक्शन फॉर्मूला सिर्फ तुम लोग याद रखो, सेक्शन फॉर्मूला। सवाल उठता है सेक्शन फॉर्मूला क्यों यूज होता है, तो मैं इधर लिख रहा हूं, सेक्शन फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। सेक्शन फॉर्मूला किसको क्यों यूज होता है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, जो पॉइंट डिवाइड करिए सेगमेंट को। समझो ये सेगमेंट ए बी है, समझो ये सेगमेंट कौन है, ए बी। ए का कोऑर्डिनेट देंगे एक्स वन वाई वन और बी का कोऑर्डिनेट देंगे एक्स टू वाई टू। और मैंने क्वेश्चन में बोला, क्या बोला, कि पॉइंट पी डिवाइड्स सेगमेंट, कौन सी सेगमेंट, सेगमेंट जॉइनिंग ए, ए का कोऑर्डिनेट कौन है एक्स वन वाई वन एंड बी का कोऑर्डिनेट कौन है एक्स टू वाई टू। तो कौन डिवाइड कर रहा हूं, मैंने बोला पी, पी आके डिवाइड करिए, किधर भी डिवाइड करिए, इधर इधर किधर भी कर सकती है। पी ने डिवाइड करी, पॉइंट पी ने ए बी को क्या कर दी, डिवाइड कर दी इन द रेशियो। दो रेशियो बनेंगी, एक यहां से लेके यहां तक जिसको बोलेंगे एम, एक यहां से लेके यहां तक जिसको बोलेंगे एन। इन द रेशियो एम रेशियो एन, इन द रेशियो एम रेशियो एन, ये जो पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी ने क्या करा, सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर दिया। इन द रेशियो एम रेशियो एन, इन द रेशियो एम इज टू एन, तो ये पॉइंट पी क्या कर रही है, डिवाइड कर रही ना, तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोलेंगे, किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोलेंगे, पी का। तो जो भी पॉइंट सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोलेंगे, तो पी का कोऑर्डिनेट रहेगा एक्स कॉमा वाई। पी का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, तो मैं इधर लिख के बता रहा हूं, पी का कोऑर्डिनेट रहेगा एक्स कॉमा वाई, समझ है। तो जो भी अगर डिवीजन हुआ, कोई भी पॉइंट आके सेगमेंट ए बी को डिवाइड करेगा, जैसे पी आके डिवाइड करा ना सेगमेंट ए बी को, तो कोई भी पॉइंट सेगमेंट को डिवाइड करेगा तो सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला, क्या यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला है, अगर मेरे को x की कोऑर्डिनेट फाइंड करने का है, किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने का है, x का कोऑर्डिनेट, तो x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ये n है, एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। याद करना x का कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू, इसका इसकी वैल्यू फाइंड करने का रहेगा, x की वैल्यू क्या रहेगा, x का फॉर्मूला एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। उसी तरीके से y का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये समझ में, मैंने क्या लिखा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और y का रहेगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। अगर ये y की वैल्यू फाइंड करेगा तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ओके, सेक्शन फॉर्मूला क्यों यूज होता है, तो तुम लोग को मालूम पड़ गया ना, सेक्शन फॉर्मूला क्यों यूज होता है, कोई भी पॉइंट अगर सेगमेंट ए बी को या कोई भी सेगमेंट को डिवाइड कर देगी तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। ये पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, पॉइंट पी बीच में, मिडल में नहीं है, बीच में, एकदम बीच में, मैं नहीं बोल रहा हूं, बीच में रहेगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आएगा। ये पॉइंट पी सिर्फ डिवाइड कर रहा है, ये ए बी के किधर भी है, ए बी पे है लेकिन कहीं भी ए से लेके बी में किधर भी है लेकिन है, एग्जैक्ट बीच में नहीं है वो पॉइंट पी, मिड पॉइंट नहीं है, इट इज, वो पी क्या कर रहा है, ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो एम रेशियो एन। ए से पी एम है और बी से पी एन है, समझ में आ गया। ये था सेक्शन फॉर्मूला का बेस।